Hi everyone, welcome to Inquest IAS. Very good morning to all of you guys. Good morning to everyone. Aaj date hai guys 30th January 22. That is a special day. Martyr Day ke naam se hum log is din ko jante hain. क्यों जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं, ये आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जिन महान व्यक्ति की नाम से हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट कर मतलब आज के दिन को हम लोग याद करते हैं, तो उस महान इंसान के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट एक सेशन में ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज हिंदू एनालिसिस और एडिटोरियल के लिए। आज बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपने सामने आई है और कई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज अपने सामने आती है एनएसओ स्पाइवेयर के बारे में। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि है क्या चीज। एक्चुअली इंडिया और इजराइल के बीच में एक डील हुई थी और उस डील के तहत इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज किया था जिसका नाम है पिगसस, ठीक है, पिगसस स्पाइवेयर के नाम से। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पिगसस सॉफ्टवेयर हमने इसराइल से परचेज किया था उसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां कह लो या फिर उसमें इसकी पावर कुछ इस तरीके से है कि अगर वो आपके फ़ोन को वो आपको फ़ोन को हैक कर सकता है। दे दैट सॉफ्टवेयर कैन हैक योर फोन और उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके फ़ोन में से फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो रिवील कर दी जाएंगी, चुरा ली जाएंगी, ठीक है, वहाँ से। तो ये एक चीज़ है। और पहले इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो सिंगल क्लिक अटैक, सॉरी नो क्लिक अटैक, यानी कि किसी भी लिंक पर भी क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे भी हो जाएगा तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। वो है पिगसस स्पाइवेयर, इसराइल से मिला, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, प्राइवेसी सबको बहुत एक बड़े लेवल का थ्रेट दे रहा है, ठीक है। दैट इज अ थ्रेट टू अवर डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी पर भी थ्रेट करता है। फाइन, इसकी वजह से पिगसस ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और भी कई सारे जो महान व्यक्ति हैं उनके फोन को अटैक किया है जिसकी वजह से समस्या भी हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अपोजिशन ने क्या कहा। एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर और उसमें बता चला है कि जो पिगसस है वो एक्चुअली एक स्पाइवेयर ही है, एक मैलवेयर है जो कि अटैक करता है और ये तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए डेफिनेटली थ्रेट बनता है। इसराइल से इंडिया खरीदने वाला ये अकेला कंट्री नहीं है, और भी कुछ कंट्रियाँ हैं तो हम लोग बात करेंगे। अब इंडिया के केस में ये सिचुएशन क्या है। अपोजिशन गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने स्लैम किया है गवर्नमेंट एज अ रिपोर्ट से इंडिया बॉट एनएसओ स्पाइवेयर, क्योंकि इंडिया ने भी पिगसस को परचेज किया हुआ है तो अपोजिशन ने इस बात पे स्लैम किया है। सेंटर साइलेंट है, कांग्रेस कॉल परचेज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन टू रेज अ इशू इन द पार्लियामेंट। तो क्या है न्यूज, मैं आपको जूम करके पढ़ा देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने परचेज किया था पिगसस स्पाइवेयर एनएसओ ग्रुप, जो इसराइल की वो कंपनी जिन्होंने स्पाइवेयर बनाया है, जुलाई 2017 में हमने उनसे खरीदा था ताकि हम लोग सर्वेलांस कर सके ऑन सिटीजन। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के से पता चला है हाई लेवल विजिट की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन दोनों के बीच में, तो ये डिसीजन लिया गया था कि भाई हम लोग पिगसस खरीदेंगे। द रिवोल्यूशन जस्ट टू डेज बिफोर द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अभी आने वाला है ना बजट, तो दो दिन पहले ही एक रिवीलेशन मतलब गवर्नमेंट के बारे में कुछ रिवील हुआ है तो अपोजिशन पार्टी उस पर स्लैम कर रही है। समझे कि नहीं समझे। कांग्रेस ने कहा कि स्पाइवेयर का एलिजेड यूज होना अपोजिशन लीडर पर सुप्रीम कोर्ट के जज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट यानी कि ये सब इसके विक्टिम बन चुके हैं, ये एक्ट ऑफ ट्रीजन है और ये बजट सेशन में भी इशू जो है वो डेफिनेटली उठाया जाएगा। जो रिपोर्ट आई है वो वार्म करती है बिकॉज ऑफ देयर एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ द पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इंटेलिजेंस गियर वर्थ द रफली $2 बिलियन, ठीक है, पीएसएस और एक मिसाइल सिस्टम जो इसराइल के साथ अपनी डील साइन हुई। कई और डिटेल सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इन देयर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पेपर रिपोर्टर नेम सेवरल कंट्रीज,
बोला ना मैंने कि इंडिया ने ही नहीं बल्कि और कंट्रियों ने भी खरीदा है, जैसे कि यूएई हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया, इन सारी कंट्रियों ने भी स्पाइंग सॉफ्टवेयर को खरीदा और उन सारी कंट्रियों की डेमोक्रेसी को भी खतरा जो है पहुंचा रहा है। 2019 में इंडिया ने वोट किया था इसराइल के सपोर्ट में यूएनईसी में, ठीक है, एंड सोशल काउंसिल टू डिनाई ऑब्जर्वर स्टेटस, ताकि इसराइल को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाए। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इंडिया का जो एम्बेसडर है यूएन में, टाइम डिनाइड द लास्ट क्लेम। अगर मैं आपको फिलहाल के लिए बताऊं तो कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मतलब पूरी रिसर्च करी थी कि क्या क्या ये जो स्पाईवेयर है सच में ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्या ये नो सिंगल नो क्लिक अटैक है हमारे सिटीजन पर, प्राइवेसी पर, सिक्योरिटी पर। और उस इन्वेस्टिगेशन के तहत भी कुछ पता नहीं चला था, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिनाई कर दिया था और कहा था कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अपोजिशन पार्टी और रिपोर्ट का कहना है कि ये मिसलीड किया जा रहा है पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को इस इश्यू पर, हालांकि ये स्पाईवेयर बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी सिक्योरिटी वगैरह के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। देखो मैंने बताया ना इन्वेस्टिगेशन की गई है, यूज टू हैक द फोन और नंबर ऑफ सिटीजन नॉट वॉन्टेड इन एनी क्रिमिनल केस, कैरिंग आउट इलीगल सर्वेलांस ऑन देम विद द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल कमेटी भी करी गई थी, और 8 हफ्तों के बाद कुछ उन्होंने करी थी, तब उसके बारे में जाना था। फाइन, चलो नेक्स्ट बात आती है, इंडिया इजराइल, इजराइल टाइज इंपॉर्टेंट अमिड ग्लोबल चेंज। प्राइम मिनिस्टर का कहना है इंडिया और इसराइल के रिलेशंस के बारे में, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं तो देख लो क्या कहते हैं। इंडिया और इसराइल के जो टाइज है, इंपॉर्टेंस हैज फर्दर इंक्रीज्ड इन वर्ल्ड फेसिंग सेवरल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का कहना है इंडिया और इसराइल का जो रिलेशन है वो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। इन्होंने स्पीच देते हुए कहा कि 30 साल हम लोग इंडिया और इसराइल का जो एक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक जो टाइज है, उसे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया और इसराइल के जो रिलेशन थे वो 29 जनवरी 1992 को टाइज हुए थे, ठीक है, तो आज 30 साल हुए कल मतलब, ठीक है। और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ही वॉज द पीवी नरसिम्हा राव सरकार। तो इन्होंने ये कहा कि 30 साल पहले यही वो दिन है जब हम लोग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया और इसराइल के बीच में, और हम दोनों ही कंट्रियों के बीच में एक नया चैप्टर भी शुरू हुआ है। हालांकि इंडिया और इसराइल के बीच में रिलेशन ठीक जरूर हुए हैं, कोऑपरेशन जरूर देखने को मिला है, बट इस तरीके का जो स्पाईवेयर है वो डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी को हर्ट करता है। इन्होंने कहा कि फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स आवर पीपल मेंटेनेंस क्लोज रिलेशन, इमेमोरियल है मतलब अस्मरणीय है, मतलब यादगार वैसे फॉर्म में। इसके साथ इंडिया लॉन्च ये लोगो भी लॉन्च किया है, तो देखो लॉन्च आपको लोगो दिखा देते हैं, हियर इट इज, इंडिया और इसराइल की 30 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप के साथ में, और यहाँ पे एक अशोक चक्र भी बनाया गया है। फाइन, हमारे ग्लोबल या वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडिया और इजराइल का रिलेशन एक अच्छी पहचान देश को देगा। इसके साथ इंक्लूडिंग द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, द तीन मूर्ति हाइफा चौक है, एज वेल एज द रिमेन्स ऑफ द आइकॉनिक मसादा फोर्ट्रेस इन इजराइल, वर लिट द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ बोथ कंट्रीज। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है और कहा है कि जो ये जो रिलेशन है, दे विल बी कंटिन्यू पीस एंड प्रोस्पेरिटी को विश्वास करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। इंडिया इजराइल टाई हैव अक्वायर्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस एज द वर्ल्ड टुडे इज एक्सपेक्टिंग एक्सपीरियंसिंग सेवरल मेजर चेंजेस, व्हाट कैन बी अ बेटर मूवमेंट टू फ्रेम न्यू गोल्स फॉर अवर बायलेटरल कोऑपरेशन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम लोग अपने बायलेटरल कोऑपरेशन बना सकते हैं। फाइन, तो वो चीज़ है जो बोली जा रही है। डिप्लोमेटिक टाइज की बात हम लोग इंडिया और इसराइल के बारे में कर लेते हैं, ये अपने लिए इन दोनों कंट्रियों के बीच में जाना इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया ने ऑफिशियली रिकग्नाइज किया था इसराइल को इन 1950 के अंदर, टू कंट्री जहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज थे, लेकिन ये अभी सॉर्ट आउट कब हुए, 29 जनवरी 1992 को। दिसंबर 2020 में इसराइल के साथ 164 मेंबर स्टेट थे। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस की बात करें तो 1992 में $200 मिलियन का जो रिलेशन है हम दोनों कंट्रियों के बीच में था।
ट्रेड इन डायमंड, मतलब हम बायलेटरल जो ट्रेड हो रहा है वो करीबन 50% डायमंड में ट्रेड हो रहा है। इंडिया इसराइल की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर और सेवन्थ लार्जेस्ट है पूरे ग्लोबल के अंदर, तो ऑब्वियसली इसराइल को हमसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इंडिया की कई कंपनियां, सॉरी इसराइल की कई कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट है, जैसे कि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों की। तो भाई इंडिया के लिए भी हालांकि ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी एफडीआई आ रही है, ऊपर से इसराइल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि किसी कंट्री से पॉलिटिकल रिलेशन अगर अच्छे हों तो उस कंट्री से इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट भी, अगर किसी से इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हों तो पॉलिटिकल अच्छे हो जाते हैं। इंडिया इसराइल के साथ डायलॉग में भी है कि भाई एफटीए भी करे, किसी को अगर एफटीए नहीं पता तो मुझे बता देना। डिफेंस के केस में इसराइल के पास मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसराइल का जो बजट का टोटल पैसा है, करीबन 60% ऑफ देयर बजट वो उनके डिफेंस में लग रहा है, वो उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट में लग रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ से मिलिट्री और डिफेंस की इक्विपमेंट्स को खरीदें। तो इंडिया लार्जेस्ट बायर है, ठीक है, इसराइल से, विच इन टर्न द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर रशिया के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है। फाइन, इसके साथ 15 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें भी काफ़ी हुई है। एग्रीकल्चर की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट है ये, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के अंदर। साइंस एंड टेक, आप जानते हो कि एक्सपर्ट इंडिया इसराइल से वाइडन कर रहे हैं स्कोप ऑफ द इंडिया और इसराइल का इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और I4F इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसके ऊपर भी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इंडिया और इसराइल के रिलेशन को आप लोग और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना। अगर हम लोग मैपिंग करते हैं तो इसराइल यहाँ है, थोड़ा ट्राइंगल सा बना हुआ है, याद रखिएगा मेडिटेरेनियन सी इसको बाउंड्री बनाता है, मेडिटेरेनियन सी बाउंड्री बनाता है, सो इट्स नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। और इसके इधर आपको एक सी मिलता है, दैट इज अ डेड सी। इसको डेड सी इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इसमें डूब के नहीं मर सकता, कारण इसके अंदर की जो लवणता है, लवणता का मतलब नमक की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि जो बॉडी है वो हमेशा ऊपर ही तैरती रहेगी, ठीक है, वो पुश करती है टू द अपवर्ड, तो कभी वो कोई भी इसमें डूबेगा नहीं, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो डेड सी रखा गया है। बाकी एक बार लोकेशन चेक करना और कौन कौन सी कंट्रियाँ इसराइल से बाउंड्री बनाती है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। नेक्स्ट आता है BSF पाक रेंजर रिज्यूम डायलॉग, इंडिया साइड रेज ड्रोन इंकर्शंस। 3 साल के बाद बॉर्डर BSF जो इंडिया की है और पाकिस्तान की है, हैव रिवाइज सेक्टर कमांडर लेवल टॉक, यानी कि उन दोनों के बीच में टॉक्स हो रही है। हमारी BSF और पाकिस्तान के जो रेंजर, 2 मीटिंग हुई है 6 महीने पहले ही, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, बहुत मीटिंग रिक्वेस्ट की गई है पाकिस्तान पे, एंड फर्स्ट वॉज हेल्ड ऑन द 24 जुलाई। आफ्टर द January 5 हेल्ड एट द ओक्ट्रॉय आउटपोस्ट इन जम्मू, BSF ने कहा कि दोनों साइड एग्री करती हैं टू कंडक्ट सच मीटिंग इंटरवल, मतलब बीच बीच में इस तरीके से मीटिंग होती रहेगी ताकि हम लोग BSF में पीस और ट्रांसपेरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। BSF ने स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया ड्रोन ऑपरेशन के लिए कि भाई आप इस एरिया पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ड्रोन ऑपरेशन जो है वो नहीं करोगे, कैरिड आउट रेगुलरली वायलेट करता है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को। ऑब्वियसली दोनों तरफ से जो मीटिंग हुई है वहां पे बोला जा रहा है कि ड्रोन ऑपरेशन नहीं होंगे, कारण ये हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको वोलेट करता है, तो ऑब्वियसली आप ये चीज जो है वो नहीं करोगे, ठीक है। BSF ने सपोर्ट किया 70 से ज्यादा ड्रोन और 2 ऑफ देम शॉट डाउन भी हुए हैं, तो इसीलिए कहना क्या है कि अनमैन जो एरियल व्हीकल्स हैं उनमें आर्म्स को छोड़ना वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है जो BSF फिलहाल के लिए फेस कर रही है, ठीक है। इफ द सीनियर ऑफिसर कम्युनिकेट करते हैं, रिजोल्व ये इशू डेफिनेटली हो सकेगा और जो भी गलत चीजें हैं वो पॉइंट आउट हो सकेगी। इसके साथ सेक्टर कमांडर टर्क्स आर ऑलरेडी वन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर एंड रेगुलर कम्युनिकेशन से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। केजरीवाल फॉर लो ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन, यहाँ पे दिल्ली सरकार, दिल्ली CM जो है वो कुछ कह रहे हैं अबाउट द रिलीजन की कन्वर्जन पे, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं वो।
चलो, ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिया क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो अधिकार हैं वो आपको फ्री करते हैं, वो आपको फ्रीडम देते हैं टू मैनेज योर रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को बनाए रखो, ठीक है। किस तरीके से आप लोग वर्शिप करते हो, कैसे आप अपने अपने ईश्वर से वर्शिप करते हो, अपने तरीके को एक्सप्रेस करते हो, उस चीज में आपको पूरी पूरी आजादी दी गई है, यू आर फ्री टू डू सो, ठीक है। चलिए बात करते हैं व्हाट ही सेज। दिल्ली सीएम एंड आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक लॉ जो है वो आना चाहिए कि अगर आप रॉन्गफुली यानी कि मिसलीड करते हुए फोर्सफुली अगर आप रिलीजन कन्वर्जन करते हो तो उसके ऊपर एक कानून जरूर आना चाहिए, बट इसकी वजह से कोई भी बंदा कोई भी व्यक्ति हैरास नहीं होना चाहिए, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई विलफुली भी अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहता है तो वो डेफिनेटली कराए, बट कोई फोर्सफुली कर रहा है तो उसके लिए लो जरूर आना चाहिए, व्हाट ही सेड लाइक दैट। उनके पास कुछ क्वेरी आई रिलीजन कन्वर्जन पे, तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद अ बिजनेसमैन इन द जलंधर, एंड उन्होंने कहा कि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है एक इंडिविजुअल का, और हर इंडिविजुअल के राइट होते हैं टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो अगर कोई भी थ्रेटन्ड होता है रिगार्डिंग देयर रिलीजन टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्जन के लिए अगर आपको थ्रेट किया जा रहा है सो डेफिनेटली उसके लिए लो होना चाहिए, और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप उस रिलीजन में आओगे तो आपको पैसा दिया जाएगा, आप समझ रहे हो कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ, तो भी जो है उस चीज के लिए लो दिया जाएगा कि आप लालच देके आप उस पर्टिकुलर रिलीजन में आ रहे हो, और आप जो पॉलिटिक्स है वो आप लोग धर्म के नाम पे चला रहे हो, सिक्योलरिज्म फॉलो नहीं कर रहे हो, सो दीज आर द सम थिंग्स। देन व्हाट इज रॉन्ग, देन दैट इज रॉन्ग, उन्होंने कहा कि अगर ऑफर मनी होता है तो डेफिनेटली वो चीज गलत है। ही सेड द लॉ शुड बी मेड अगेंस्ट द रॉन्गफुल कन्वर्जन, के खिलाफ जरूर आना चाहिए, ठीक है जी, तो उन्होंने इस बारे में बोला। चलिए बाकी अपने काम की चीजें नहीं है, हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं कि ऑल पर्सन, चाहे आप यहाँ पे कंपनी हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, आप NRI हो, फॉरेनर हो, कोई भी आप हैं अगर, तो आपको इक्वली अधिकार दिए जाते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि आप अपने धर्म को बनाए रख सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप जिस तरीके से वर्शिप करना चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है, सो दैट इज द थिंग, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है टू हिज गॉड और क्रिएचर इन वट एवर वे ही डिजायर। अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने भगवान की जो वर्शिप है, पूजा है, वो आप आरती करके करते हो, दैट इज डेफिनेटली अलाउड। आपको यात्रा निकालने जाते हो तो भी वो चीज अलाउड है, ठीक है, इन वट एवर वे यू डिजायर आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन देर आर द रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली लगेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा टू मैनेज द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है जो भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपको आपसे राइट छीन लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये कहते हो कि भाई मुझे तो फायरिंग करनी है जाके, ये मैं अपने भगवान को खुश कर रहा, ऑब्वियसली ना नहीं होगा वो चीज। चलिए, राइट टू प्रोफेस, आप डिक्लेयर कर सकते हो अपनी बिलीफ ओपनली, आप सत्संग वगैरह करा सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस कर सकते हो रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल सेरेमनी, एग्जीबिशन, वो सब चीजें हो जाएंगी। ट्रांसमिशन कराना एक से आप दूसरे में कन्वर्ट करते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रॉन्गफुली या फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द सम डॉक्ट्रिन्स एंड रिचुअल्स हैं जो कि आप फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग ऐसा कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट क्या रहेंगी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जरूर से जरूर लगाई जाएंगी। अभी तक की चीजें क्लियर है तो हिट द लाइक बटन एवरीवन। इसके बाद आता है केरला टू रीवैम्प टूरिस्ट डेस्टिनेशन। केरला ओपन कर रहा है वहां की टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एम क्या है, स्टिमुलेट करना और स्ट्रेंथन करना सेक्टर। केरला में ना बहुत ही सुंदर वातावरण है, वहां के जो टूरिज्म है ना, वहां की जो डेस्टिनेशन साइट है ना, दैट आर मतलब अमेजिंग है, ठीक है। आप देखोगे
वेस्टर्न घाट के होने की वजह से कितना तो ग्रीनरी है, कितनी डाइवर्सिटी है वहां पे, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। तो केरला क्या कर रहा है कि अपने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट हैं उनको और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट कि उनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो अच्छा हो जाए, ग्रोथ करे और उनकी एक अच्छी खासी अर्निंग भी, ठीक है, इकोनॉमिक भी रिलेशन इससे जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी साइट को ओपन कर लिया, जगह को, ताकि डेस्टिनेशन एक अच्छा हो जाए। मैं अब आपके लिए इसमें ये बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी साइट ऑफ स्कीम लेकर आई गई हैं जो कि टूरिज्म को एनहैंस करती है। अब इंडिया में अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जाए, ठीक है, ताजमहल बनाया जाए, क्यों बना रहे हैं? ताजमहल तो चलो बन चुका है, या कोई भी हम चार धाम पर फोकस कर रहे हैं, क्यों मानते हैं इस पे फोकस करना, रिलीजन को प्रमोट करना है लेकिन साथ के साथ टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इक्वालिटी को बनाना, डेफिनेटली हम अपनी फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम अब लोग अपने टूरिज्म को भी एनहेंस करें, सेम विद इट ऑल्सो। तो टूरिज्म से एक कंपनी, एक कंट्री की जो अर्निंग है वो अच्छी खासी होती है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी स्कीम है। एक आती है वन इंडिया वन टूरिज्म अप्रोच, जहाँ पे मिनिस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं और एक स्टेट में आप लोग घूमिए, अच्छे से सब चीजें हो जाती हैं। सेंट्रल लेवल टूरिज्म मैटर करता है। टूरिज्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें पैसा डल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अंदर एक करोड़ शुड बी नोटिफाइड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट प्रमोटेड टू अवेल लोन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ऐसा कुछ रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी करता है एनहांस, आप अपनी हेरिटेज साइट को और भी ज्यादा अच्छा करो जिससे कि लोग वहां जाएं, घूमें, टूरिज्म हो बढ़िया से बढ़िया। स्वदेश दर्शन और नेशनल मिशन प्रसाद स्कीम के बारे में आप लोग जानते ही हो। ईज ऑफ टूरिज्म अच्छे से कर दिया जाए, रोड टैक्स, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत भारत। तो हम अपनी बुद्धिस्ट सर्किट हुआ, जैसे स्वदेश दर्शन हुआ, एडवेंचर टूरिज्म हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड में, हर चीज को अगर आप लोग सुपर्ब करते हो, सुपर लुकिंग करते हो, तो फिर आपका जो टूरिज्म है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एडवांटेज इंडिया को क्या है, डिमांड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी पॉलिसी सपोर्ट डाइवर्स अट्रैक्शन, डेफिनेटली सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि देखो 2029 तक इंडिया का टूरिज्म सेक्टर इतना ग्रो हो जाएगा कि हमारा 6.7% जो ग्रो है, इतना हम लोग ग्रो करेंगे, मतलब 35 ट्रिलियन जो रुपए हैं वो हम लोग टूरिज्म से ही ले सकेंगे, तो फिर वो चीज अच्छी हो जाएगी ना। चल आगे बात करते हैं, हाउस पैनल टू टेक अप प्ली टू डिस्क्वालिफाई 2 MPs। तृणमूल YSRCP मूव्ड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये न्यूज जो बात करती है वो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ, आपके शेड्यूल 10 के अंदर मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। पार्टी ने बोला आप इधर जाओ और आप इधर गए हो, पार्टी को बिना बताए आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली, कन्वर्ट कर ली। जिस साइड पार्टी जाने को कहे आप उस साइड ना जाके उनके विरुद्ध जाओ या फिर आप उनके अगेंस्ट जाते हो। मर्जर ऑफ पार्टी हुई है बट आप नहीं जा रही हो, ठीक है, आप वो दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं हो रही हो। दीज आर द सम थिंग, दीज आर द सम क्राइटेरिया जो ये पहचान देता है कि भाई आप डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार हो सकते हो, कि भाई आपको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, यू वुड बी डिस्क्वालिफाइड। तो अब देखते हैं न्यूज क्या थे, लोकसभा के स्पीकर रेफर की गई है उनका पेटिशन सबमिटेड बाय द तृणमूल कांग्रेस और एक और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए हैं शिशिर अधिकारी और के रघु रामा कृष्णा राजू इनके खिलाफ जो प्रिविलेज कमेटी के हैं। मिस्टर बिरला मूव कम 18 मंथ आफ्टर, नियरली 7 मंथ आफ्टर, इन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार को, इन दोनों लोगों ने आंध्र प्रदेश की सरकार को, जो सीएम जगन मोहन रेड्डी के तहत सीएम है जो, उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है। हाउएवर ही हैज नॉट फॉर्मली ज्वाइन द अदर पॉलिटिकल आउटफिट, यानी कि जो पार्टी के मेंबर है उन्होंने
उसी पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, और वो भी तब जब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, वो मतलब है कहने का। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो अपील है वो स्पीकर के सामने आई है। तो हमेशा याद रखना, अगर डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन लेना है तो ये लिया जाएगा स्पीकर के द्वारा, ये वर्ड थोड़ा याद रख लेना। तो जो 10th शेड्यूल है, 1985 के अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल के अंदर पार्लियामेंट ने इस चीज को ऐड कर दिया गया था, और जिसको आप लोग एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हो। कोई भी मेंबर ऑफ पार्टी अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, और उसको आप लोग क्या कह सकते हो कि भाई ये एंटी डिफेक्शन का इसके ऊपर लो लगाई और उसको वहां से निकालिए, क्योंकि इस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट, आज इधर आज उधर वो वाली सिचुएशन हो जाती है। इस चीज को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत, और 10th शेड्यूल के अंदर इसको शामिल किया गया है। फाइन, इट अलाउ एमपी एमएलए टू ज्वाइन, अगर आपकी पार्टी किसी दूसरे के साथ ए प्लस बी मर्ज हो रही है तो ए पार्टी के मेंबर भी बी के साथ मर्ज होंगे, ठीक है, अनदर पॉलिटिकल पार्टी विदाउट द इनवाइटिंग द पेनल्टी फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वॉज कंसिडर्ड एज अ मर्जर। मान लीजिए उस पार्टी के अंदर 30 लोग हैं ए के अंदर, और उसके एक तिहाई यानी कि 10 लोग जाके बी में मर्ज हो गए हैं, तो अगर एक तिहाई होते हैं तो फिर आप उसे मर्जर और पार्टी का नाम दे सकते हो, ठीक है, वो वाली चीज है। मेंबर डिस्क्वालीफाई कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर सीट इन द सेम हाउस, ये भी थोड़ा याद रख लेना। डिसीजन ऑन क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड डिफेक्शन रेफर टू द चेयरमैन या स्पीकर, या तो आप स्पीकर के पास जाओगे या आप अगर राज्यसभा में हैं तो आप चेयरमैन के पास जाओगे, और अगर आप लोकसभा में हो तो आप स्पीकर के पास जाओगे। विच इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, मतलब जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन दैट। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है, अगर आप लोग अपनी मेंबरशिप वॉलेंट्री गिव अप करते हो, अगर आप वोट नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ए को वोट करके आप बी को करके आ रहे हो या करके ही नहीं आ रहे हो, बिना परमिशन के लिए के आपने कोई एक्शन लिया, ठीक है, और आप हिज एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग शुड नॉट बी हिज पार्टी और ऑथराइज पर्सन विद इन द सच 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट, अगर आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, तो ये कुछ ग्राउंड है जिनके बिहाफ पे आपको डिफेक्शन मांग लिया जाएगा। यूज एक्सटर्नमेंट ऑर्डर विद क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, देयर कैन नॉट बी एनी मैनर ऑफ डाउट दैट एन ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट का होता है निष्कासन करना, एग्जाइल, इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट इज डिप्राइविंग द सिटीजन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपके पास ये अधिकार है अंडर द आर्टिकल 19 दैट फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप लोग देश भर की सीमा में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप लोग शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट नहीं शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया है बस उसमें इंटरफेयर ना करते हुए आप पूरे देश भर में कहीं पर भी घूम सकती हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को इस्तेमाल करना वो सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन को बैर कर दिया जाए अथॉरिटी के द्वारा किसी भी एक जगह किसी भी जगह पे एंट्री ना दी जाए और शक के बिना पर, ये चीज गलत होगी। कोर्ट ने कहा कि एक्सटर्नमेंट अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, तो भी ये चीज जो है वो गलत होगा, ठीक है। डिस्क्रेशन, अगर आप किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालते हो एक्साइल करते हो तो उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है, उसके कोई ना कोई कारण होना चाहिए, अदरवाइज उसके पास आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम है पूरे देश भर में कहीं भी घूमने का, ठीक है। एसडीएम का ऑर्डर इस तरीके के ऑर्डर प्रिवेंट कर देंगे पर्सन को उस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में रहने से भी, और इवन वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं रह सकता, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिटीजन को अ फंडामेंटल राइट, सिटीजन को अधिकार है, नॉन सिटीजन को नहीं, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दीज रीजन विच नेसेसिएट और जस्टिफाई द पासिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट अराइज
आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। आई होप कि मतलब आप लोग समझे होंगे। यही है जो मैंने आपको बताया, राइट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अवेलेबल है ओनली सिटीजन के लिए, फॉरनर के लिए अधिकार नहीं है। दो टाइम दो डायमेंशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप चाहे इंडिया के अंदर घूमे, राइट मूव आउट टू द कंट्री और कम बैक टू द कंट्री, और बाहर जाते हो तो बाहर जाने का और फिर वापस आने का, दोनों तरीके के अधिकार आप लोगों को दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 क्या करता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, 21 पर्सनल लिबर्टी से प्रोटेक्ट करता है। तो दीज आर द सिक्स राइट जो की आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया सेल्फ रिलाई करे रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में। 2030 तक इंडिया जो है वो 300 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को डेवलप कर लेगा। कंट्री का क्यूमुलेटिव इंस्टॉल जो सोलर कैपेसिटी है वो था 47 गीगावाट। यूनियन बजट जो अभी पेश होगा 1 फरवरी को, सोलर सेक्टर पर भी उम्मीदें जताई जा रही है कि भी इंडियन सोलर इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ आपको देखने को जरूर मिलेगी। कैसे हम लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन के आएगा एनर्जी ट्रांजिशन में, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ है रिन्यूएबल में अच्छी हो रही है। COP21 की गाइडलाइंस पर हम लोग चल रहे हैं। 450 गीगावाट हमको करनी है 2030 तक। हमने यूनिवर्सल एक्सेस भी ले ली है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हर घर बिजली योजना भी लॉन्च की गई, ग्राम ज्योति योजना स्कीम यहाँ लॉन्च की गई, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ग्रीन अमोनिया पे फोकस कर रहे हैं। तो इससे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी पर वी आर वर्किंग, ठीक है। इसके साथ अब उपाध्याय योजना की बात करें तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, भाई हर घर बिजली जरूर पहुंचा दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रीफाई करना हर गांव को, हर शहर को, फीडर सेपरेशन टू एंश्योर सफिशिएंट पावर मिले फार्मर्स को और कंज्यूमर को सप्लाई मिले और लॉस नहीं हो। सौभाग्य स्कीम लेकर आई गई, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य जो स्कीम थी, तो कई स्कीम है जो इसके रिगार्डिंग लाई गई है। ना यूपीएससी मेंस इज इजी नाउ गाइस, सो यूपीएससी पीडीएफ डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे से, और आपको डेली मेंस का क्वेश्चन मिलता है, आप लोग वहां से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लिखो और वहीं पे पोस्ट कर दो। इससे जो भी एक्सपर्ट है वो आप लोगों के आंसर्स को पढ़ेंगे, सुनेंगे, एनालाइज करेंगे एंड यू विल गेट अ बेटर आंसर, ठीक है। और फिर उससे आप लोगों के लिए मेंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। टू मेंस क्वेश्चन न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं। 1 फरवरी से बैच लॉन्च हो रहा है तो एनरोल कर लीजिएगा, पहले डाउनलोड करो ऐप और उसके बाद, और अगर डिस्काउंट लेना है तो IS50 कोड इस्तेमाल करना, यू विल गेट द 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ऑफ द डे, दैट इज अ कॉमिक बुक, इंडिया की वुमेन अनसंग हीरोज, एक बुक है जिसका नाम है इंडिया अनसंग हीरोज, वो रिलीज हुई है। PIMA की न्यूज है ये। एक पिक्टोरियल बुक टेलिंग करती है 20 अनसंग वुमेन फ्रीडम फाइटर के द्वारा, जो कल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च की है। बुक जो है वो पार्टनरशिप में आई थी अमर चित्रा कथा के पार्टनरशिप में सामने आई है। किस का जिक्र है वो पढ़ लेते हैं। रानी अबाका हुतवाटी पोर्टुगीज अटैक फॉर सेवरल डिकेड, कई साल पहले जिन्होंने पोर्टुगीज का जो अटैक है उनको वैनिश किया था। इसके साथ मातंगिरी हजरा फ्रीडम फाइटर है बंगाल से, स्ट्रगल में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इन्हें गांधी भूरी के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड लेडी गांधी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में भी 1930 में इन्होंने हिस्सा लिया। एक आते हैं गुलाब कौर, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ी, मनीला गुलाब कौर ज्वाइन कलर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी जो इंडियन इमिग्रेंट्स के द्वारा, ठीक है। एक थी पद्माजा नायडू, पढ़ लेना प्लीज आप लोग। वेलू नाइचर जो फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जो वेज वॉर अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी, तमिल्स में इनको ब्रेव वुमेन यानी कि वीर मांगाए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन सबका जिक्र इसमें हुआ है। बांग्लादेश टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया वुमेन ग्रेड, इंडिया के अनार के लिए बांग्लादेश सबसे टॉप डेस्टिनेशन है, तो अपने रिलेशन यहाँ से होते हैं। लास्ट फिस्कल के मई 2021 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 68
502 टन, और विच 36 जो है वो 36 जो टन है वो बांग्लादेश गया था। आई मीन ग्रेट इग्रोन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है, सेमी एरिड में होता है, ड्राई समर और कोल्ड विंटर में होता है। अब देखते हो ना, अब ठंड आ गई, अब आता है पोमेग्रेट, तो इसका टेम्परेचर और इस क्लाइमेट फीचर्स को याद कर लेना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में आपको ज्यादा ग्रोथ इसकी मिलेगी, और यूरोपियन यूनियन इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। अनयूजली कोल्डर इन द विंटर बेटा, ये मैं कभी फिर देखेंगे इसको, लेव करिए। बात आती है चकमास एंड हेजोंग कम्युनिटीज के द्वारा। एनएचआरसी ने अपना ऑर्डर डायरेक्ट किया होम अफेयर और अरुणाचल प्रदेश को कि भाई 6 हफ्ते पहले एक जो एलिगेट आई थी, 6 वीक अगेंस्ट एलिजेड रेशियल प्रोफाइलिंग री लोकेशन ऑफ चकमास एंड हेजोंग फ्रॉम द स्टेट। दोनों ही अथॉरिटी ने इंश्योर किया था दैट ह्यूमन राइट ऑफ द चकमास हेजोंग आर प्रोटेक्टेड ऑल द वेज, कि भाई इनके जो राइट और राइट्स हैं वो अभी प्रोटेक्टेड हैं ऑल द वेज। तो लीव करो, ये खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस थोड़ा बहुत थी। सिटीजनशिप स्टेटस की बात करें तो 65,000 में से 60,500 सिटीजन है जिनको सिटीजनशिप नागरिकता मिल चुकी है। एप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग 4,500 जो अभी भी माइग्रेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 के तहत जिन्होंने दो सेक्शन हमारे अमेंड किए 1955 के अंदर, एक्ट हैज नथिंग टू डू विद द चकमा हेजोंग सिंस दे वर परमानेंटली सेटल्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया 1960। डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो ट्रांसमिशन कम हो रहा है, ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन बहुत कम एक फैल रहा है, मस्ट बी ऑन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। तो फिर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जब ट्रांसमिशन कम हुआ है तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कुछ स्टडीज सिटीज को पढ़ने से स्टेट्स को मे बिगनिंग सी प्लेटिंग ऑफ COVID-19 केसेस, बट रिस्क परसिस्ट एंड फोकस जो है वो रिड्यूस करने पर सोचना चाहिए। नेक्स्ट मैं जल्दी करा रही हूँ, इंडिया अमान जो है 10th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग इन दोनों कंट्रियों की हो रही है। लेटेस्ट डिफेंस एंगेजमेंट है ये दोनों कंट्रियों के बीच में। जीएमसीसी हाईएस्ट फोरम है एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया और अमान के डिफेंस के केस में। इंडिया और अमान से भी हमारे जो डिफेंस के रिलेशन है वो अच्छे हो रहे हैं। इसके साथ बात करें अमान की लोकेशन, सो हियर इट इज अमान, ये इधर आपको स्ट्रेट दिख रहा है हॉर्मुज, इधर ऊपर ईरान की लोकेशन है, तो नीचे इस तरीके से हॉर्न अफ्रीका बनाते हुए आपको अमान दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इसको काटती है। पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार इको हॉटस्पॉट, निकोबार निको निकोबार जो इको हॉटस्पॉट है वहां पे एक पैरासिटिक प्लांट मिला है। पैरासिटिक प्लांट जो ड्राई समर ऑल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम मदर, यानी कि परजीवी दूसरे पर जीवित रहते हैं, हर एक चीज उससे जो है वो एक्वायर कर लेता है। ऑल पैरासिटिक प्लांट की उनकी रूट्स होती है, उनको होस्टोरिया बोलते हैं, विच पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट कनेक्टेड देम टू कंडक्टिव सिस्टम इधर द जाइलम फिलोम और द बोथ। फाइन, तो न्यूज यही कहती है, न्यू जेनेस ऑफ द पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर किया गया है। प्लांट स्पीशीज में से द पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट एज अ मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर है जो कि स्प्रेड की गई है। प्लांट फाउंड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हाँ, इन वन इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको पता ही है कि जो वेस्टर्न घाट है वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो कुछ ना कुछ नई ना नई चीजें मिलती रहती हैं। तो इस बार ये पैरासिटिक प्लांट जो है वो देखने को वहां से मिला है। इसके साथ लॉरेंथेसी एक करेंटली प्रेजेंटेड है बाय द 9 जेनेरा एंड फाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये दूसरा प्लांट के बारे में बात हो रही है भाई। What make the new genus unique is that it is endemic only to the Nicobar group of islands. So ये एक बहुत ज्यादा important highlight है GS3 के लिए। ठीक है, चलो।
ये न्यूज भी आप लोग शेयर कर लीजिएगा, डिटेल है काफी। नेक्स्ट यूपीएससी पीडीएफ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, सो डाउनलोड करें इसे प्ले स्टोर से एंड ISFT कोड यूज करिएगा एनरोल करने के लिए। 1 फरवरी से हो रहा है तो आप लोग दिन वेस्ट मत करना, जल्दी से जाके डाउनलोड करो और इसमें एनरोल कर लीजिए। फाइन, सो आज का ये क्वेश्चन अपने लिए मेन्स क्वेश्चन, टूरिज्म सेक्टर की हमने बात की जो केरला एनहेंस करने की बात कर रहा है, और टूरिज्म से हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ हमें भी अच्छी खासी होती है एज इंडिया पैन लेवल पर। गिवन अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म सेक्टर, इट कैन एक्ट एज अ इंजन टू रिवाइव ग्रोथ एंड शोकेस ब्रांड इंडिया टू द वर्ल्ड, है ना, कि अगर हम लोग अपने टूरिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं, हम लोग अपनी हेरिटेज साइट को अच्छा करते हैं, हम अपने कल्चर को एनहेंस करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट को याद करके और एक मॉडर्न इंडिया में सामने लेकर आते हैं, ठीक है, इसके साथ हम लोग कुछ मॉडर्न चीजें या कुछ नई चीजें यहाँ पे बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ना अपना टूरिज्म एनहेंस होगा। हम ईज टू रोड करते हैं, टैक्स भी बहुत ज्यादा उनसे कलेक्ट नहीं करते, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हमारे टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट कर देंगी। तो कैसे आप टूरिज्म के बारे में बात करोगे, ये सब चीजें आपको बतानी है। फाइन, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और 30 जनवरी 1948 डे, आज का वो दिन है जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, हत्या कर दी गई थी दरअसल, और उन्हीं के ही दिवस में मार्टायर डे के नाम से आज याद किया जाता है दिन। तो महात्मा गांधी जी के बारे में और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उस सब के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों के सामने आ जाएगी क्लास, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन द इनक्वेस्ट IAS। थैंक यू गाइस।